अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक, अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी है, स्पेशल एपिसोड है, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कुछ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस आई हैं, कुछ पाबंदियाँ हैं, इतनी सख्त पाबंदियाँ नहीं हैं, लेकिन कुछ आपकी बेहतरी के लिए ही उन्होंने कुछ हिदायत जारी की हैं। कुछ ये मेरे पास 10 इंस्ट्रक्शन हैं जो मैंने नोट की हैं, ठीक है। उसमें इन बातों का ख्याल रखना, हर हाजी के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने कंपलसरी करार दिया कि आपने इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखेंगे तो आपके लिए हज में आसानी होगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उमरा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वक्त रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस पर आपका कोई खर्चा नहीं होगा। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से रखे, उनको शादोआबाद रखे, और जो लोग हज पर जा रहे हैं अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो जनाब ये जो 10 पाबंदियाँ हैं, 10 इंस्ट्रक्शंस हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हैं, और ये मेरी अपनी जाती भी नहीं है, जो उन्होंने बताई हैं वही मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जिसमें नंबर 1 ये है कि आपने अपने किसी भी किस्म के सामान को प्लास्टिक बैग्स में पैक करके नहीं लेके आना, क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि एक बैग लेते हैं, उसको पैक कर लेते हैं, उसके ऊपर शॉपर चढ़ा लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है जनाब प्लास्टिक बैग्स में बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई सामान आपने रैप या पैक करके नहीं लेके आना, शॉपर्स वगैरह में सामान नहीं उठा के लेके आना। जो भी चीज़ हो वो एक प्रॉपर बैग में बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जिस तरह से एक तरीकाकार है सामान लेके जाने का। जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वो ये कि आपने लिक्विड्स अपने सामान में बिल्कुल नहीं लेके आने, कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप कोई शरबत की बोतलें लेके आ रहे हैं, आप पानी भी यहाँ से लेके जा रहे हैं, आप बोतल्स कोल्ड ड्रिंक्स लेके जा रहे हैं, लस्सी लेके जा रहे हैं, इस तरह की सील्ड जैसे पैक्स होते हैं, लस्सी होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बिल्कुल मना किया कि आपके सामान में बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके फट जाने का खतरा होता है और फिर सामान ख़राब होता है, आपका अपना भी ख़राब होगा, दूसरे लोगों का भी ख़राब होगा। तो आपने लिक्विड बिल्कुल भी नहीं लेके आना, किसी भी किस्म के कपड़ों में भी नहीं लपेट के आना। देन जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो ये कि कुछ सामान ऐसा होता है जो प्रॉपरली पैक नहीं किया हुआ होता, कि कुछ बैग होते हैं उसमें सामान इतना भर दिया जाता है कि वो आधा बैग खुला हुआ होता है, आधा बैग बंद होता है, और फिर ज़बरदस्ती उसको रस्सियों के साथ बांध के ही, मैंने चीज़ें बहुत सारी देखी हैं कि ज़िपें पूरी बंद नहीं हो रही हैं, ज़िप ख़राब है, तो लोगों ने क्या किया, रस्सी से जनाब उसको बांध दिया है कि जनाब ज़िप टूट गई है तो कोई मसला नहीं, हम इसको बांध के ले जाएंगे। तो इस तरह के भी बैग बिल्कुल सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किए हैं, आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। जहाँ इतना खर्चा किया तो अच्छे बैग्स भी आपके साथ होने चाहिए, गवर्नमेंट तो देगी बट आपके पास भी अच्छा बैग होना चाहिए। जो फोर्थ रिस्ट्रिक्शन है, जो चौथी उनकी जो पाबंदी है वो ये कि किसी भी सामान को, जो आपका कोई भी बैग हो, आपने उसको किसी भी बोरी में या किसी भी कपड़े में लपेट कर नहीं जाना, क्योंकि बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि हमने ये सामान बैग कर लिया, अब हम इसकी इसको एक पोटली बनाएंगे और इसको एक बोरी में बांध के हम अपने यूँ कंधे पर डालेंगे, और जैसे बहुत से लोगों का तरीकाकार होता है तो हम उस तरह से इस सामान को ले जाएंगे, तो इस तरह से बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो इस तरह की आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, तो वो क्योंकि उसको उतार के फेंक देंगे। जो पाँचवीं बहुत ही अहम इंस्ट्रक्शन है वो ये कि ड्रग्स किसी भी किस्म के अलाउड नहीं है, कि आप अपने साथ किसी भी किस्म का कोई भी नशा आवर चीज़ नहीं लेके जा सकते। अब बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि हम सिगरेट लेके जा सकते हैं, सिगरेट ले जाएं तो कितनी ले जाएं, तो भाई आप माशाल्लाह से हज करने जा रहे हैं, इन चीज़ों से अगर 40-45 दिन परहेज़ कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने बिल्कुल इस तरह की कोई गलती नहीं करनी कि सिगरेट साथ लेके जाएँ। इसके अलावा जो नसवार है, ठीक है, वो भी जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने टोटली बैन कर दिया है, और वो कहते हैं कि ये नसवार भी, ये भी ड्रग्स में आती है, नशावार चीज़ों में आती हैं। तो आपने ये कुछ लोगों को जो नसवार रखने की आदत होती है, या एक और प्रोडक्ट आ रही है वो वेलो चलो के नाम से, इस तरह की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो आपने वो भी अपने साथ हरगिज़ नहीं लेके जानी, बिल्कुल बैन है। और अगर किसी के पास से निकली सामान में से तो उनसे कानून के मुताबिक उनके खिलाफ चाराजोई की जाएगी। देन जो छठा जो आइटम है वो है कीमती चीज़ें बिल्कुल अपने साथ नहीं लेके आनी, और अगर आपने लेके आनी है तो आपने कस्टम से बिल्कुल क्लियर करा के लेके आनी है, जिसकी अमाउंट 7,000 रियाल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट ये कह रही है कीमती अशिया लेके आएंगे तो उसकी एक प्रॉपर कस्टम आपने क्लियरेंस करवा के लेके आनी है, उसका जो भी अमाउंट होगी वो पे करके आप लेके आएंगे। जो सातवीं इंस्ट्रक्शन है वो है कि आपने बैन मेडिसिन अपने साथ नहीं लेके आनी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बैन है, तो आप वो अपने साथ वहाँ पर नहीं लेके जा सकते सऊदी अरब। और अगर आपने लेके भी कोई मेडिसिन आनी है तो प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के साथ लेके आनी है। इसीलिए जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो हाजी कैंप में आपकी मेडिसिन खुद पैक करेगी, ताकि वो चेक कर सकें कि इसमें
कोई भी रिस्ट्रिक्टेड या बैन मेडिसिन तो नहीं है, और वो जब एक दफ़ा पैक कर देंगी तो आपने उस पैकिंग को खोलना नहीं है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सऊदी गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि आतिशबाजी का कोई भी पटाखा पटोखा इस तरह की कोई चीज़ अपने साथ नहीं लेके जानी, जाली करेंसी बिल्कुल अपने साथ नहीं लेके जानी, क्योंकि ये भी बैन है, और इसके जो भी इस तरह का काम करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई, जो उनके रूल्स होंगे वो उसके मुताबिक करेंगे, पाकिस्तानी रूल्स के मुताबिक नहीं करेंगे। जो आठवीं इंस्ट्रक्शन है, जो एट्थ है, उसके मुताबिक जो विजिट वीज़ा पर जाने वाले लोग हैं या फैमिली वीज़ा पर जाने वाले लोग हैं वो वहाँ पर हज अदा नहीं कर सकते। तो चोरी छुपे इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी, तो पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो अगर आपने हज करना भी है, फैमिली वीज़ा पे गए हैं, विजिट वीज़ा पे गए हैं, तो आपने प्रॉपर जो एक वैलिड प्रॉपर सिस्टम है, जो SOP है, उसको फॉलो करते हुए आपने हज के लिए अप्लाई कर देना है। तो फिर अगर आपको इजाज़त मिलती है तो आप हज वहाँ पर कर लें। जो नौवीं इंस्ट्रक्शन है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये कि आपने पिक्चर्स जो हैं वो वहाँ पर नहीं लेनी, कि बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि वो बिल्कुल बिल्कुल खाना काबा और फिर कभी हिजरे अस्वद के करीब जाकर वीडियोस बना रहे होते हैं, पिक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इतने रश में भी मोबाइल उठा के वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप बहुत से लोग एक ही दफ़ा हज करने आएंगे, पता नहीं दोबारा कभी अल्लाह ताला दोबारा मौका दें या ना दें, तो आपने इसको अपने प्रॉपर जो हज की जो जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करें, इबादत में फुल टाइम गुजारें, और पिक्चर्स लेने में टाइम ज़ाया ना करें, वीडियोस में लेने में टाइम ज़ाया ना करें। फिर अगर कोई लोग वहाँ पर पिक्चर्स ले भी रहे हैं मस्जिद नबी में या मस्जिदुल हराम में, तो आपने लोगों की प्राइवेसी का भी ख्याल करना है, और ख़वातीन की या किसी और लोगों की पिक्चर्स ना लें, यानी कि आप अपनी पिक्चर्स ले रहे हो तो उसमें कोई और ख़वातीन बच्चे या लोग उसमें कोशिश करें कि वो प्रॉपरली नॉमिनेट ना हो, तो वहाँ के कानून बहुत सकते हैं, तो उनका उसका आपने बहुत ख्याल रखना है। फिर एक और जो इंस्ट्रक्शन है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये कि आपने रास्तों में नहीं बैठना। बहुत से लोग दरवाज़ों में एंटर हो रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, पिक्चर्स बना रहे होते हैं, फिर वहीं पर बैठने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब हम तवाफ़ एथलीट, क्योंकि तो नीचे सिर्फ उम्रे वाले लोग जा रहे होते हैं, जब हम गैलरीज़ में तवाफ़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग गैलरी में वहाँ पर बैठकर ही खाना काबा की ज़ियारत कर रहे होते हैं और रास्ते में बैठ रहे होते हैं, तो वो जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं वो फिर तालियां बजा के और यल्ला यल्ला की बात कह के और चलो भाई कह के लोगों को उठा रहे होते हैं। तो इससे बेहतर है कि वो आपको वहाँ से उठाएं, तो आपने रास्तों में नहीं बैठना। जो स्पेसिफाइड प्लेसेस हैं वहाँ पे कुर्सियाँ भी समटाइम्स रखी होती हैं, और जो सफ़ें जहाँ तक बिछी हुई हो, इसका मतलब है सफ़ें जहाँ तक बिछी हुई हैं तो वहाँ तक आप बैठ सकते हैं, वहाँ पे किस उसके अलावा कहीं और आप जगह पे ना बैठें, सफ़ा मरवा पे बैठने की कोशिश ना करें, तो क्योंकि वो फिर वहाँ पर लोगों के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। फिर क्योंकि वो एक अरब मुल्क है, बहुत से लोग यहाँ पर लोग जाते हैं तो उनको अरबिक पढ़ना नहीं आती, तो कई जगहों पे निसा लिखा होता है, तो इसका मतलब है खवातीन के बैठने की जगह है, तो वहाँ पर मर्द हजरात भी जाकर बैठ रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज पर चाहें तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।